गुड मॉर्निंग बेटा, आज हम क्षितिज का लेसन 17 बच्चे काम पर जा रहे हैं की व्याख्या समझेंगे। प्रस्तुत कविता के कवि हैं राजेश जोशी। इस कविता में कवि ने छोटे छोटे बच्चों के काम पर जाने की विवशता को प्रकट किया है। कवि का मन उन बच्चों को काम पर जाते हुए जब भी देखता है तो उसका मन व्याकुल हो जाता है। तो कवि कहता है, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि का कहना है कि सर्दियों का दिन है, सारी सड़कें कोहरे से ढकी हुई हैं और इस कोहरे से ढकी सड़क पर छोटे छोटे बच्चे मजदूरी करने के लिए अपने अपने घरों से गुजर रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। कवि कहता है कि यह जो पंक्ति है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, यह पंक्ति हमारे समाज की और हमारे इस वर्तमान की सबसे भयानक पंक्ति है। कवि ने इसे भयानक पंक्ति क्यों कहा है? क्योंकि यह पंक्ति बच्चों की समस्याओं का निदान नहीं करती है, बल्कि बच्चों की समस्याओं को ज्यों का त्यों बनाए हुए है। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। कवि कहता है कि इस पंक्ति को विवरण की तरह लिखना बहुत ही भयानक है। अर्थात अगर इस पंक्ति को अब ब्यौरा हम लंबा चौड़ा लिखते चले जाएंगे तो यह स्थिति और भी ज़्यादा भयावह हो जाती है। कवि चाहता है लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि इस पंक्ति को सवाल की तरह पूछना चाहता है। वो पूछना चाहता है कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि इस पंक्ति को प्रश्न की तरह इसलिए पूछना चाहता है बेटा, क्योंकि जब प्रश्न होते हैं तो उनके उत्तर भी होते हैं, और प्रश्न हमारे मन मस्तिष्क में हलचल पैदा करते हैं। हम उनका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं, और जब प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाता है तो हमारी समस्याओं का निदान हो जाता है। और यदि इस प्रश्न का उत्तर मिल गया कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, तब इन बच्चों को काम पर नहीं जाना पड़ेगा। आगे कवि ने कहा है, क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने। कवि कहता है कि बच्चों को काम पर जाता हुआ देखकर उसका मन दुखी है। वह प्रश्न पूछता है कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, क्या उनकी सारी गेंदें कहीं खो गई हैं, या उनकी किताबों को दीमकों ने खा लिया है, या उनके खिलौने किसी पहाड़ के नीचे दब गए हैं, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें, या स्कूलों के भवन किसी भूकंप ने नष्ट कर दिए हैं। मदरसा का मतलब होता है बेटा विद्यालय, ठीक है। तो कवि कहता है क्या वह विद्यालय किसी भूकंप में ढह गए हैं। कवि बार बार पूछता है कि क्या सारे मैदान बगीचे और घरों के आंगन अचानक समाप्त हो गए हैं। यदि ऐसा हो गया है कि अचानक ही सब खत्म हो गए हैं तो फिर शायद इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचा है। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि हैं सारी चीज़ें हस्ब मामूल। कवि कहता है कि ये स्थिति बहुत भयानक है। कौन सी स्थिति? कि बच्चों की गेंदें खो गई हैं, किताबों को दीमक ने खा लिया है, मैदान बगीचे खिलौने सब समाप्त हो गए हैं, विद्यालय टूट गए हैं। तो ये स्थिति भयानक है, पर बहुत ज़्यादा भयानक नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ इतना ही है तो हम इन चीज़ों का निर्माण दोबारा करके बच्चों को दे सकते हैं, बच्चों के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। किंतु यह अत्यधिक भयानक स्थिति इसलिए है क्योंकि है सारी चीज़ें हस्ब मामूल। हस्ब मामूल का मतलब होता है पहले जैसी, यानी कि सब चीज़ें उपलब्ध हैं, किताबें भी हैं, गेंदे भी हैं, विद्यालय भी हैं, बगीचे भी हैं, मैदान भी हैं, घरों के आंगन भी हैं, सब चीज़ें उपलब्ध हैं, फिर भी बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। इसलिए कवि इस स्थिति को बहुत ही भयानक मानता है।
पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो कवि कहता है कि जो बच्चे हैं आज भी वैसे ही जैसा पहले जा रहे थे, आज भी हजारों बच्चे हजारों सड़कों से सुबह सुबह कोहरे से ढकी सड़कों पर काम पर चले जा रहे हैं। तो बेटा ये थी हमारी कविता की व्याख्या। लेखक थे इसके राजेश जोशी। इस कविता में कवि ने बाल श्रम की ओर संकेत किया है कि हमारे समाज में आज भी बाल श्रम होता है, ठीक है, और साथ साथ कवि ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए कोशिश की है कि बच्चे काम पर ना जाएं। कवि क्यों चाहता है कि बच्चे काम पर ना जाएं? क्योंकि जो कवि है वो मानता है कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। हमारे देश का जो भविष्य है वो कौन है? आप जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर आप लोगों का शारीरिक और मानसिक विकास उचित ढंग से नहीं होगा तो आपका जो चरित्र है वो उभर कर समाज के सामने नहीं आएगा, और अगर ऐसा होगा तो एक अच्छा और सभ्य समाज निर्मित नहीं हो पाएगा। जब अच्छा और सभ्य समाज निर्मित नहीं हो पाएगा तो फिर एक सुदृढ़ देश की कल्पना ही रह जाएगी, अर्थात फिर एक सुदृढ़ देश का निर्माण भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए कवि ने ये प्रश्न उठाया है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अगर बच्चों को काम पर नहीं भेजा जाएगा तो बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास उचित ढंग से हो सकेगा और सभ्य समाज का निर्माण होगा और एक सुदृढ़ देश का निर्माण होगा, समाज में अच्छे नागरिक मिलेंगे। तो इस प्रकार कवि ने इस कविता में बच्चों के प्रति चिंता व्यक्त की है और दुनिया और समाज को इस प्रश्न की ओर सोचने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया है। तो ये थी हमारी कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। कुछ प्रश्न हैं, इसके प्रश्न भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि जैसे कवि ने पहले प्रश्न में पूछा है कि कविता की जो पहली दो पंक्तियां हैं उनको पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में कौन सा चित्र उभर कर आता है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कि कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़कर हमारे मन में उन बच्चों का चित्र उभर कर आता है जो सुबह सुबह कोहरे से ढकी सड़कों पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए काम पर जा रहे हैं, जिन्हें खेलने के लिए पढ़ने के लिए समय ही नहीं मिलता है। दूसरा प्रश्न है, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह ना लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए? तो प्रश्न की तरह इसलिए पूछना चाहता है कवि क्योंकि प्रश्न हमारे मन मस्तिष्क में हलचल पैदा करते हैं, और जब प्रश्न उठता है तो उसका उत्तर भी ढूंढा जाता है, और यदि इस पंक्ति को प्रश्न की तरह पूछा जाएगा तो इस समस्या का समाधान भी हो जाएगा और बच्चे काम पर नहीं जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? आंसर है कि सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित इसलिए हैं क्योंकि उन्हें अपने परिवार के भरण पोषण के लिए काम करना पड़ता है, अपने माता पिता का हाथ बटाना पड़ता है, उन्हें मजबूरन मजदूरी करने के लिए विवश होना पड़ता है। और फोर्थ क्वेश्चन है इसका कि दिन प्रतिदिन जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता, इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं? अर्थात बच्चे काम पर जा रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो क्या कारण हो सकता है इस बात का? आंसर आएगा इसका कि काम पर जाते बच्चों को देखकर हर कोई उदासीनता का भाव इसलिए प्रकट करता है क्योंकि लोग स्वार्थी हो गए हैं, दूसरा लोग आत्म केंद्रित हो गए हैं यानी सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जीवन भागा दौड़ी भरा हो गया है, लोग आधुनिकता की दौड़ में आगे निकल जाना चाहते हैं, फोर्थ लोग स्वयं बच्चों से कम पैसों में काम करवा करके अपने पैसे बचाना चाहते हैं, तो इस उदासीनता के ये कारण। फिफ्थ क्वेश्चन है, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहां कहां काम करते हुए देखा है? ठीक है, तो हमने बहुत से स्थानों पर काम करते हुए देखा होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा कि हमने अपने शहर में बच्चों को चाय की दुकान पर, ढाबों पर, होटलों पर, सब्जियों की दुकानों पर, विभिन्न दुकानों पर,
ईंट के भट्टों पर कूड़ा बिनते हुए देखा है। और लास्ट क्वेश्चन है इस कविता का, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? तो इसका आंसर आएगा कि बच्चों का काम पर जाना एक बड़े हादसे के समान इसलिए है क्योंकि बच्चे हमारे राष्ट्र का भविष्य हैं। जिस उम्र में बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए तथा भविष्य का निर्माण करना चाहिए, एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए, उस उम्र में उन्हें मजदूरी करनी पड़ रही है जिस कारण उनका भविष्य नष्ट हो रहा है, और बच्चों का नष्ट होता भविष्य एक हादसे के समान है। तो ये हमारा लेसन 17 था बेटा, जिसकी व्याख्या हमने सीखी और प्रश्न उत्तर थोड़ा समझे। नेक्स्ट चैप्टर अगली वीडियो में समझाऊँगा। गॉड ब्लेस यू।